बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन मैट्रिक क्लास ऑफ इकरा हुफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम, लेक्चर नंबर 1। बेटा आज मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स सेक्शन ए हमारा जो आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है और वो 20 मार्क्स का होता है। इसी तरह से सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 50 मार्क्स में से इसमें से पेपर बनता है और नोट इसको ज़रा ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है। सेक्शन बी को अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन, 10 पार्ट हमें अटेम्प्ट करने होते हैं इस सेक्शन में से। सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। टोटल जो है हमें 10 पार्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, उसके 3 पार्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब में 3-3 पार्ट्स गिवन हैं। उन सब में से 2-2 पार्ट्स आपको करने होते हैं और जिसमें करने के लिए सबसे पहले आप उन पार्ट्स को चूज़ करें जिसमें आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा भरपूर तरीके से जिस एक्सरसाइज की है, आप उन पार्ट्स को सेलेक्ट करें और फिर उसको अटेम्प्ट करें। तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 1, पार्ट 3 भी हो सकता है। इस तरह से जो आपको जिसकी आपको सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, आप उन पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे और हर क्वेश्चन में से 2-2 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से ये 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चंस बनते हैं और 2-2 पार्ट्स आपको करने होंगे, तो ये टोटल 10 पार्ट्स बनते हैं। तो सबके मार्क्स जो हैं 5 मार्क्स हैं, तो 10 × 5 = 50 मार्क्स बनेंगे आपके। इसी तरह से सेक्शन सी है जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का होता है, 30 मार्क्स का होता है। इसमें नोट आप इसको देखें, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपलसरी होता है इसमें और वो हमारा होता है थ्योरम्स का, लॉन्ग थ्योरम, ट्रायंगल्स के लॉन्ग थ्योरम इसमें मौजूद हैं और वो थ्योरम नंबर 7, 8 और 10 इन 3 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम हर ईयर आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 वो ग्राफ का होता है और एक्सरसाइज उसमें हम पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे 6.2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, शॉर्ट थ्योरम्स होते हैं उसमें दोनों पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.5 तक, ये पूरा फैक्टराइजेशन का टॉपिक है हमारा, इसमें से 4 पार्ट्स बनते हैं और वो 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बात जो समझने की वो ये है, सी सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस में एक तो क्वेश्चन नंबर 7 तो कंपलसरी है, उसके अलावा कोई 2 पार्ट्स आपको करने होंगे। 8, 9, 10, 11 इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, क्योंकि 7 आप कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका हो गया और इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अब जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी है जिस एक्सरसाइज की, तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।